हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सेम स्टडी। आज हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दुनिया भर में सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इस वीडियो में हम इस कंपनी के हिस्ट्री, बिजनेस, रेवेन्यू, अचीवमेंट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखें। पहले आते हैं TCS के हिस्ट्री पर। पहले तो याद रखना है कि TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड है। कंसल्टेंसी का मतलब जो कि परामर्श देना होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। इनिशियली इसको टाटा कंप्यूटर सिस्टम कहते थे, जो कि 1968 में इसको टाटा कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। 1968 में टाटा सन्स के द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का शुरुआत किया गया था। TCS जो कि इंडिया से फर्स्ट डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर पुणे में बनाया था 1980 को, जिसका नाम जो कि TRDDC था, और TRDDC का फुल फॉर्म टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 25 अगस्त 2004 में यह पब्लिक लिस्टेड कंपनी बना था, यानी कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी 25 अगस्त 2004 में यह बना था, जो कि TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी। और 2005 में TCS बिकम द फर्स्ट इंडिया बेस्ड आईटी सर्विस कंपनी। इंडिया बेस्ड आईटी सर्विस कंपनी 2005 में ये बना था, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स मार्केट में प्रवेश करा था, यानी कि जैव सूचना विज्ञान बाजार में 2005 में ये एंटर करा था। और फॉर द फर्स्ट टाइम इट एंटर्स इन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन 2011। छोटे और मध्यम उद्योग में ये 2011 में इसकी एंट्री हुई थी, इसको आपको याद रखना है। चलिए रिकैप कर लेते हैं। 2011 में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में एंट्री, 2005 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स मार्केट में एंट्री, और 25 अगस्त 2004 को जो कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बना था। इस स्लाइड पर हम TCS के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जो कि आपको याद रखना ही है। दिस इज एन इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी कंपनी। ये भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी है। दिस इज ए सब्सिडियरी ऑफ टाटा ग्रुप। ये एक टाटा ग्रुप का ब्रांच है, जो कि TCS है। इसका हेडक्वार्टर जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसका फाउंडर टाटा सन्स हैं, और इसके चेयरमैन जो कि N चंद्रशेखरन है, इनको आप फर्स्ट इमेज पर देख सकते हैं। और इसके बाद उनके MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TCS के, जिनको आप सेकेंड इमेज पर देख सकते हैं, उनका नाम राजेश गोपीनाथन है। चलिए रिकैप कर लेते हैं। MD और CEO राजेश गोपीनाथन, चेयरमैन N चंद्रशेखरन, फाउंडर टाटा सन्स, और इसकी जो हेडक्वार्टर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि बाजार पूंजीकरण में, तो इसका स्थान भारत में द्वितीय है। यदि हम आईटी सर्विस ब्रांड के बारे में बात करेंगे वर्ल्ड वाइड में, यानी कि विश्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस ब्रांड के बारे में, तो इसका स्थान प्रथम पर है। ये दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण को पहुंचने वाला भारत का प्रथम आईटी कंपनी, जो कि TCS बना था अप्रैल 2018 को, इसको आपको याद रखना है। और ये दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस कंपनी है। और
भारत का द्वितीय सबसे बड़ा कंपनी है, इसको आपको याद रखना है। इस स्लाइड के फर्स्ट इमेज पर रतन टाटा जी हैं और सेकंड इमेज पर इसकी हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में स्थित है और थर्ड इमेज पर टाटा सन्स के इमेज हैं। इस स्लाइड पर हम टाटा कंपनी के टोटल हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, 1868 को जामशेद जी टाटा ने एक बैंकरप्ट ऑयल मिल के मालिक से इसको इस कंपनी को ख़रीदा था और इन्होंने इसको चेंज कर दिया कॉटन मिल पर, और कॉटन मिल के बाद इन्होंने इसका नाम टाटा रख दिया। और इसके 100 साल बाद यानी कि 1968 को टाटा सन्स ने एक कंपनी शुरुआत किया जो कि टाटा कंप्यूटर सर्विस, जिसको हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं अब, और उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 100 बिलियन डॉलर छूने के लिए 2018 तक आना पड़ा, और 2020 में ये दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विस ब्रांड बन गया। और इस इमेज में आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे ब्रांचेस जो कि मेटल, आईटी, फाइनेंस, ऑटोमोटिव, रिटेल्स, इंफ्रा और टेलीकॉम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बेचता है मार्केट में। इस स्लाइड पर हम दे दिए हैं टाटा प्रोडक्ट्स के कुछ लिस्ट जो कि टाटा सल्ट, टाटा स्काई, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, वोल्टास जो कि एसी होता है, टाटा मोटर्स, टाटा टेटले, टाटा स्पाइसेस, टाटा कम्युनिकेशन, सोनाटा घड़ी, टाइटन घड़ी, टाइमेक्स जो कि घड़ी होते हैं, और इन्होंने जगुआर और लैंड रोवर की जो कंपनी कार कंपनी है उसको भी ख़रीदा है टाटा ने। उसके बाद तनिष्क जो कि गोल्ड एंड ज्वेलरी होता है, और ताज होटल, टाटा सल्ट, ये तो हम बता चुके हैं पहले। ये सब इनके जो टाटा के प्रोडक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे यानी कि बाजार पूंजीकरण में, तो द्वितीय स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, तो पहले स्थान पर किस कंपनी है इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ज़रूर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें। ये करने के कारण हमारे चैनल में जो नए नए वीडियो आएंगे वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको थैंक यू।